अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने जो 10th क्लास का लेक्चर पढ़ना है वो लेक्चर जो है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था सिंपल पेंडुलम का और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने दो एग्जांपल्स पढ़ी थी सिंपल पेंडुलम और मैथ्स अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। उसमें कुछ टर्म्स होती हैं जिनके बारे में हमने डिस्कशन नहीं की थी, तो वो टर्म्स जो हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। उन टर्म्स में से सबसे पहले टर्म्स है वाइब्रेशन। तो बच्चों वाइब्रेशन क्या होती है? वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है जिसमें वाइब्रेशंस पाई जाती हैं, बट ये जो एक टर्म है वाइब्रेशन की ये क्या होती है? तो बच्चों इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। अच्छा बच्चों अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारे पास एक मीन पॉइंट है और इसी तरह ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब जब ये पॉइंट जो है इस पर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा और फिर अपनी मीन पोजीशन से होता हुआ अगेन अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर अगेन इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। ये वाइब्रेटरी मोशन थी। बट इसमें वन वाइब्रेशन की को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इसमें हम वन वाइब्रेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी कि इधर से जब वो ऑब्जेक्ट मूव हुआ मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, इसको ओ कह देते हैं, इसको ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, देन एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। मतलब ये एक कंप्लीट राउंड ट्रिप हो गया। यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और पूरा घूम के वापस जहाँ पर स्टार्ट हुआ वहाँ तक का जो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा उसको हम कहेंगे वन वाइब्रेशन। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म हम यूज़ करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो आती है हमारे पास टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ये जो हम लोगों ने एक वाइब्रेशन पढ़ी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ एंड अगेन यहाँ, तो ये वाली जो थी हमारे पास इसमें जितना भी टाइम लगेगा, डेफिनेटली टाइम तो लगता है तमाम चीज़ों को होते हुए, तो यहाँ पर जितना एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। और ये आप लोगों को बात मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोनों टॉपिक्स में बताई थी डिफरेंट फार्मूला के साथ। एक में हम लोगों ने पढ़ा था टी इज इक्वल टू 2πm/k अंडर रूट और एक में हमने पढ़ा था टी इज इक्वल टू 2πl/g अंडर रूट। अच्छा जी, इन दोनों के बाद जो हमारे पास आती है चीज़ वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकेंड। अच्छा, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि जो टाइम का छोटे से छोटा हिस्सा होता है वो वन सेकेंड्स होता है, तो इससे भी फर्दर आगे बहुत है, लेकिन यहाँ पर अभी हम जो डिस्कस करें वो वन सेकेंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक सेकेंड में ये मल्टीपल वाइब्रेशंस भी होती हैं, तो एक सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसकी मैं एक मिसाल आप लोगों को देता हूँ। जैसे अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो करंट है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो वो एक सेकेंड में 50 टाइम्स जो है ना अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, मतलब 50 वाइब्रेशंस जो है वो कंप्लीट करता है, जिस वजह से हम उसमें एसी करंट में जितनी भी हमारे पास चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड्स फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन का जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, मैक्सिमम डिस्टेंस यानी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। जैसे ये अगर हम इसको स्टडी कर रहे थे तो ये मीन पोजिशन थी, तो ये मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक का जो डिस्टेंस होगा, इसी तरह ये भी मीन पोजिशन थी, मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारे पास? एम्पलीट्यूड। यहाँ पर सिंपल पेंडुलम को देखें अगर, तो ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास ये भी क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। मीन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद अगर हम फर्दर अपने टॉपिक को आगे लेकर चलें तो हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? अगर हम एक आइडियल सिस्टम को लेते हैं, जैसे अगर हम सिंपल पेंडुलम को ही ले लेते हैं,
तो अगर हम आइडियल सिस्टम लें, आइडियल सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही होती सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो कभी रुकता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर छोड़ दिया तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स थी जिसकी वजह से ये वापस पेंडुलम जो है वो मूव करेगा मीन पोजीशन की तरफ, और मीन पोजीशन से होता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन पर चला जाएगा। तो अगर हम एक आइडियल सिस्टम बना दें जहां पर किसी किस्म की रेजिस्टिव फोर्स ना हो, तो ये जो हमारे पास सिस्टम है ये मूव होता रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि हमेशा कोई भी सिस्टम उस वक्त रोकता है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है और वो उसको रेस्ट में लेकर आती है। तो इसी तरह डैम्ड ऑसिलेशंस की बात की जाए, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्पिंग का इफेक्ट होता है हमारे पास, जैसे कि ये अगर आपके पास ऑसिलेशंस हैं, तो ये ऑसिलेशंस में अगर आप देखें तो पहले इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर एम्पलीट्यूड कम हुआ, फिर मज़ीद कम हुआ, और फिर और कम होते हुए ये रेस्ट में आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये डैम्पिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर्स मतलब हमारी जो शाखें जिन्हें हम कहते हैं गाड़ियों में लगी होती हैं, बाइक्स में लगी होती हैं, वो भी किसका काम करती हैं, डैम्पिंग का ही काम करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने टॉपिक आज पढ़ा, डैम्पिंग की भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और ये बाकी टर्म्स की भी समझ आ गई होगी जो हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो बच्चों ये आप लोगों ने बुक से भी इनको एक दफ़ा जो है वो स्टडी कर लेना है, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।